मंसूर के सितामू में पिछले दिनों पकड़ाए पीडीएस राशन के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज भाजपा और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लदुना चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे मामले में लीपापोती कर दी गई है, जिसके चलते राशन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पूरे राशन घोटाले में जो भी अधिकारी शामिल है उन्हें यहाँ से हटाकर उन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले दिनों हिंदू संगठनों ने चक्का जाम करते हुए अपना विरोध दर्ज किया था और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ था, लेकिन घटना को एक माह बीतने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले महीने 10 फरवरी को सीतामऊ में एक बड़ा मामला हुआ था, जिसमें गरीबों का जो राशन आता है, शासकीय राशन जो रहता है, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के गोदाम में मिला था और बड़ी मात्रा में वो शासकीय राशन वहाँ पर मिला था। तो उसके खिलाफ़ सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसकी जांच के लिए कहा गया था। दो गोडाउन भरकर उसमें चावल भी थे, गेहूं भी थे, और मिलने के बाद में पत्रकार बंधुओं के संज्ञान में लेकर और अधिकारियों के संज्ञान में लेकर उन गोडाउन को सील किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करी थी। लेकिन यहाँ के सरकारी अधिकारियों ने उस मामले को कैसे रफा दफा किया पता भी नहीं चलने दिया, और रात को ही वो सारा राशन वहाँ से गायब कर दिया गया गोडाउन से। उसके बाद में उस राशन का पता नहीं चला, और कार्यकर्ताओं ने जब मांग करी कि हमने जिस प्रकार से आवेदन दिया था कि भैया जो कार्रवाई करना चाहिए उस कार्रवाई का क्या हुआ, तो उसके लिए हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, हिंदू समाज ने मिलकर यहाँ चौराहे पर एक ज्ञापन दिया था, चक्का जाम किया था और शासन प्रशासन से मांग करी थी कि उन सारे अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई जाए, जो इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उसका भी कोई उत्तर हमें नहीं मिला। उसके बाद में एक बार और मंत्री जी को, हरदीप सिंह जी डंग को भी हमने एक ज्ञापन दिया था और उनको भी बताया था कि इस मामले में जितने भी लोग दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम आज से सारे कार्यकर्ता बंधु और युवा संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं कि इस मामले में जितने भी अधिकारी लोग, चाहे वो ठेका चलाने वाले हों या वेयर हाउस वाले हों या अन्य अधिकारी हों, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाकर, जांच करवाकर उनकी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, तथा जो गरीबों का राशन इस प्रकार से अलग अलग वेयर हाउस में या प्राइवेट गोडाउन में मिलता है उसको रोका जाए। हम जनता से एक और अपील करना चाहते हैं कि जनता, इस प्रकार के गरीबों का जो राशन भूमाफिया लोग खा जाते हैं और उसको दबो देते हैं, तो जनता हमारे साथ में जुड़े ताकि ये राशन गरीबों तक पहुँचे और इस मामले में हमारे साथ में आकर बैठें, ताकि जो लोग दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और उनको सज़ा मिल सके।